हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सबका। वेलकम है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और गाइस, अभी मैं एक्चुअली जा रहा हूँ पार्क में थोड़ा वॉक करने के लिए। भाई मैं सोच रहा हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से पार्क में ऐसे वॉक वगैरह भी नहीं करी मैंने। करनी चाहिए ना, ऐसे करनी चाहिए, क्योंकि भाई अच्छी ताज़ी हवा मिल जाती है वहाँ पर। तो चलो अभी मैं चलता हूँ फटाफट से, और आपको भी दिखाता हूँ पार्क। तो चलो अभी चलते हैं पार्क में और वॉक करते हैं थोड़ी। भाई मतलब टाइम तो इतना, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है, ज़्यादा हो गया है, 8:15 के आसपास का टाइम है। बट वो ये चलता है इतना, क्योंकि अभी मौसम अच्छा हो रहा है, मतलब धूप नहीं निकली है ज़्यादा, तो हम आराम से टहल सकते हैं। तो चलो चलते हैं फिर। और गाइज मैं भी आ चुका हूँ पार्क में, और मुझे लगता है भाई मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि कोई है नहीं अभी पार्क में। मजाक कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बहुत लेट आया हूँ। 8:30 के आसपास का, 8:15 का टाइम हो रहा है, और मैं थोड़ी लेट आया हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत वॉक वगैरह तो हो ही जाएगी। चलो अभी वॉक करते हैं यहाँ पर, और आपको भी दिखाता हूँ हमारा ब्यूटीफुल पार्क। अभी तो काफ़ी, मतलब पेड़ वगैरह लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा उखड़ा बुखड़ा सा हुआ हुआ है सारा, बट एक्चुअली काफ़ी सुंदर है। और अभी और अच्छे से ये बना देंगे यहाँ पर, थोड़ी ग्रास वगैरह सही से उग जाएगी ना, तो और अच्छी लगेगा अभी। और ये भी सही है, हवा चल रही है थोड़ी अभी भाई, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लग रही है, बट गर्मी है फिर भी ह्यूमिडिटी वाली। तो थोड़ा बहुत टहलते हैं फिर निकलते हैं। गाइस देखो यहाँ पर ये चीज़ कितनी सही बना रखी है इन्होंने भाई, पानी पीने के लिए पक्षियों के। बट ये थोड़ा गंदा हो रहा है ये, और गंदा नहीं मतलब वही है भाई, जो लकड़ी वगैरह होती है और पत्ते वगैरह वही सब पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर भाई इतना थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, बट मुझे लग रहा है एक्चुअली काफ़ी थोड़ा गंदा है ये। ठीक है, यहाँ पर ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है, बट फिर भी इन्हें साफ़ भी रखना चाहिए भाई ये, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें ना गंदी हो जाती हैं अब यहाँ पर। और बट मेनली जो है ना, वो कूड़ा इसी चीज़ का है, जैसे पत्ते वगैरह लकड़ी वगैरह वही पक्षी लेकर आ जाते हैं। बट ये सही है काफ़ी, ऐसे ही हमें रखना चाहिए भाई गर्मियों में, खासकर पानी तो, क्योंकि इन पक्षियों को भी यार प्यास वगैरह तो लगती है, नहीं भूख लगती है, तो इनके लिए भी हमें थोड़ा इंतज़ाम करना चाहिए। ये भी एक हमारी तरह ही यहाँ पर रहते हैं अर्थ पे, अर्थ फेलोज हैं ये भी हमारे। मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पर पेड़ वेड़ लगाए जा रहे हैं, तो थोड़ा भी ग्रास वैसी हो रही है, मतलब ज़मीन उबड़ खाबड़ सी हो रही है। तो ये देखो एक यहाँ लगा हुआ है, एक उसके पीछे ऐसे ही भाई, और यहाँ पर भी है। देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला पेड़ भी है यहाँ पर, ऐसे ही काफ़ी सारे पेड़ लगाए गए हैं, जो अच्छी बात है, हमें भी पेड़ लगाने चाहिए यार, मैं भी सोच रहा हूँ। देखो गाइस, प्राइवेट स्विमिंग पूल इनका प्राइवेट स्विमिंग पूल है, इसमें और कोई नहीं आ सकता सिवाय इन पक्षियों के। देखो अभी सब नहा रहे थे इसमें। ओ भाई,
और कितने सारे कबूतर हैं देखो गाइस, कितने सारे कबूतर यहाँ बैठे हुए हैं, देखो कितने सारे कबूतर बैठे हुए हैं। जरा अभी आपको दिखाऊं, ये देखो वो दिख रहे होंगे आपको कितने सारे कबूतर हैं, ये देखो कितने। ये भाई मैंने वॉक भी कर लिया आराम से, और अभी धूप भी ज़्यादा नहीं थी तो, और हवा भी लग रही थी इसलिए ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगी, और वॉक भी हो गई मेरी मॉर्निंग वॉक, और मज़ा आ गया काफ़ी। चलो अभी घर पर चलते हैं। अच्छा है, मौसम काफ़ी ठीक था, मतलब गर्मी मुझे लगी नहीं, वरना भाई इस टाइम पर भी इतनी गर्मी हो जाती है ना। गाइस मैं भी आ चुका हूँ पार्क से, और काफ़ी अच्छा रहा भाई, आराम से अपने में घूम फिर कर आ गया हूँ। चलो अभी बैठते हैं आराम से। गाइस चूहिया का बच्चा आ चुका है, मम्मी ने पिंजरे लगा रखा था बड़े दिन से भाई, ये घूम रहा था ऐसे ही घर में, मम्मी ने पिंजरे लगा दिया और वो आ गया है, अब पकड़ में आ गया वो बड़े दिनों बाद। दोपहर के 2:30 और गाइस अभी एक्चुअली मुझे अपना कुछ काम करना था, इस वजह से भाई मैं वो कर लेता हूँ अभी। और आप कोई काम मत करो, आप अभी मेरा व्लॉग देख रहे हो तो व्लॉग ही देखो और एंड तक देखो पूरा। आपको जो अपना काम करना है वो बाद में करना, या ऐसा कोई काम हो तो जो आप व्लॉग देखते देखते कर सकते हो तो वो निपटा लो इतने। और गाइस अभी शाम हो चुकी है और मैंने चाय वगैरह भी पी ली है। चलो अभी भाई नहा कर आते हैं क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है ना, पूजा करनी है। चलो अभी नहा कर आता हूँ मैं जल्दी से। और गाइस मैं अभी नहा कर आ गया हूँ, तो चलो अभी पूजा का टाइम हो गया है, पूजा करते हैं अब। गाइस अभी डिनर वगैरह करके आराम से लेटे हुए हैं हम नहीं मतलब मैं लेटा हुआ हूँ, और मैं तो यहीं पर आराम से लेटा हुआ हूँ अभी डिनर वगैरह करके। टहल के नहीं आया हूँ मैं आज क्योंकि मन नहीं कर रहा था, इसलिए गर्मी बहुत हो रही है इसलिए मैं थोड़ा गया नहीं, घर में ही टहल लिया। यहाँ पर कन्नू ये क्या, तो वो कॉमिक्स बेच रही है क्या, बुक सेलर बनी हुई है क्या तू यहाँ पर? कन्नू क्या कर रही है अब, बैग सेट कर रही है कल के लिए, कल यूनिवर्सिटी जाना है मतलब स्कूल जाना है। सही है, बैग सेट कर ले। बात है गाइस वैसे मतलब जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं भाई उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है, उनको काफ़ी मतलब पूरा दिन हो जाता है स्कूल में पढ़ो, फिर स्कूल में पढ़ो, फिर आके घर पर, फिर रात को बैग सेट करो, मतलब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इतना नहीं है, वो तो टाइम पास करते नहीं ऐसा नहीं है भाई, टाइम पास नहीं करते, वो भी काफ़ी उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट वही है वो इतना शो नहीं करते हैं जितना स्कूल स्टूडेंट्स का रहता है, खासकर इतने भारी भारी बैग लेके जाते हैं वो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। चलो गाइस अब इस व्लॉग को भी यहीं एंड कर देते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।